तो दोस्तों फाइनली इन्वर्टर के घर पे ले आए हैं भाई साहब, बहुत मशक्क़त के बाद। पैर में भी चोट लग गया है, बहुत मुश्किल से लाए हैं इसका। ये फ्रेम में रखने वाला है, ये बैटरा आ गया है यहाँ पे, और वो मशीन है, और इस जगह भैया चेक कर रहे अभी सेट हो। तो दोस्तों फाइनली दोनों पंखे जो लग के एकदम रेडी हो गए हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे हो चुका है। मॉर्निंग का टाइम मस्त, एकदम नहा हुआ के फ्रेश हो गए हैं, बढ़िया तरीके से नया वाला कपड़ा पहन लिया, टी शर्ट। आज भी जो घर पे बहुत सारा काम अभी दिखाएंगे आप लोगों को, उससे पहले हम लोग को जाना होगा गैस चूल्हा बनवाने के लिए और साथ ही साथ फोटो बनवाने के लिए, क्योंकि कल वाले ब्लॉग में आपने लोग देखा होगा कि यहाँ पे जो फोटो लगाना है हमारी शादी की पूरे फुल फ्रेम में, ठीक है? तो चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कल जो है दोस्तों चौखट आया था ना, उसी का जो है और फिटिंग के लिए तोड़ा जा रहा है। नहीं, करिए करिए, आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ पे भी दरवाजा लगेगा इस साइड में, तो इसका भी चौखट जो है तैयार किया जाएगा। ऐसे चौखट तो इसका कम ही चांस है तैयार करने का, इसका हो सकता है बहुत थोड़ा साइड होगा। और इधर देखिए मसाला बन के रेडी हो गया है, और अभी ये ढलाई हुआ तो पक्का हुआ नहीं है, लगभग 2-3 दिन का समय इसमें और लगेगा पूरा पक्की होने में, तभी जो है ये पूरा खुल पाएगा इस साइड से। कल ले गए थे क्या वो वाले जिनका सेटिंग था, वो ले गए थे कल? अच्छा, इस साइड में रखा हुआ है, अभी लेके गए नहीं है। भैया शायद सवेरे के टाइम में कपड़ा वपड़ा धुल के एकदम रेडी कर दिए हैं सब, जब तक हम वीडियो का एडिटिंग कर रहे थे, थंबनेल बना रहे थे, अभी ऐसा सीन है। और आज भी नहीं ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे। हाँ, ये देखिए दोस्तों चौखट लग गया, अभी आपको कहना भूल गए थे। ये देखिए साइड से ये लोहे का चौखट लगा हुआ, और इसमें दरवाजा अगर साथ में लगा रहता तो चौखट जो है काटने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब लगता साथ ही में लग जाता सब कुछ, जाम भी हो जाता पूरा। बट ये अलग से हमने बनवाया मजबूती के लिए कि लोहा का रहेगा सबसे बेस्ट रहेगा, और वहाँ भी सेम ही चीज़ें लगी उस जगह पर। आजकल दोस्तों काम से छुट्टी नहीं मिल पाता ना, इधर जाओ उधर जाओ, जिसकी वजह से खाना जो है घर पे हम बना नहीं पाए। कल बनाए थे, आज बिल्कुल बनाने का मन नहीं था, तो खाना वहाँ पे देखे पन्नी पैक करके रखा हुआ, टिफिन आ गया है होटल से, और साथ ही साथ अभी हमने कर लिया है वीडियो के एडिटिंग खूब अच्छे तरीके से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हम एडिटिंग कर लिए पूरा कम्प्लीट। देखिए दोस्तों खाना में आया है मस्त, आलू की सब्जी भुजा हुआ है, चावल है, दाल भी है ना, दाल भी साइड से डाल दो, एक साथ खा लिया जाएगा। हाँ, चार रोटी निकाल लीजिए। ये जो दरवाज़ा है दोस्तों ये इस साइड नहीं खुलेगा, वो उस साइड खुल पाएगा, ठीक है? अभी हम भी कंफ्यूजन में थे। हो गया, पंखा लेने के लिए अभी, और दो पंखे की हमें ज़रूरत है, ठीक है? वो भी वो जो पंखा यहाँ पे देख रहे हो आप, इससे हल्की छोटी चाहिए हमें पंखा, दिखाना। हाँ, ये कलर था, सही है, छोटा है। तो दोस्तों फाइनली हमने पंखे ले लिए, 4500 रुपये के मात्र पड़ गए हैं अभी, तो इसको अभी जस्ट लगवाना भी है। ये छोटा लेने का यही कारण है कि स्पेस थोड़ा सा कम है, बड़ा वहाँ चल नहीं पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। क्या भैया चलेगा ना ये? हाँ हाँ, एक पंखा इस साइड में लगेगा, एक पंखा इस साइड में लगेगा, इतने भाई जी हो जाएगा। हाँ भाई, अच्छा अच्छा, तो दोस्तों फाइनली दोनों पंखे जो लग के एकदम रेडी हो गए हैं भाई, सब मजा। भैया एक बार चालू करके दिखाओ जरा, जाइए अभी चालू होते ही आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया लग रहा। एक ये चालू होगा, उसको वो गोल वाला घुमाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोनों पंखे बन के रेडी हो गए हमारे नए घर में, आप कोई टेंशन नहीं है। अब एसी अभी नहीं लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा। तो दोस्तों गैस वाले में प्रॉब्लम हो रहा था ना, एक जल रहा है उस साइड वाला, ये नहीं जल रहा था, तो अभी दुकान पे आके बनवाने के लिए, गैस की दुकान पे, तो ये बन जाएगा। तो जब हमारी वाइफ आएंगी प्यारी देवी जी, तो उनको कोई दिक्कत ना हो। और आज के मौसम की बात करें तो पूछिए मत, इतना ज़्यादा मतलब बारिश वाला सीन है ना, कि क्या ही बता, लखनऊ में समझिए अभी बारिश का सीन चल रहा है। तो दोस्तों फाइनली अभी हम दुकान से वापस आ चुके हैं, एक बार ऊपर का सारा काम आप लोग तो देख ही चुके, क्योंकि चौखट लगा और नीचे जो है एक और ये बन रहा है स्लेब, स्लेब इसलिए बन रहा है कि जो पानी वाला बनवा रहे ना भैया, टैंक वाला ना,
वही टैंक, पानी टैंक वही ना। हाँ, उसके लिए भी बन रहा है बाहर के स्लिप, वो देखिए वहाँ पे तैयार हो रही है, देखिए तैयार हो गया ऑलरेडी पूरा एकदम अच्छे तरीके से। शाम का टाइम हो गया और टीवी जो है हम 55 इंच का घर में जो है लग नहीं पा रहा। अब आपको बताते हैं कैसे नहीं लग पा रहा, क्योंकि भाई साहब अगर इस साइड में लगाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, हम लोग को मुड़ के देखना पड़ेगा, ठीक है। और इस साइड में लगाएंगे तो यहाँ पे 43 इंच की टीवी जो है आराम से लग सकता है, ठीक है। वो भी हल्का सा कवर, थोड़ा सा 2 इंच का बच पाएगा समझिए, बाकी पूरे जगह जो है ना वो कवर कर लेगा यहाँ पे, यानी छेक लेगा हमारे बिहारी भाषा में, ऐसा सीन है। और यहाँ तो 55 इंच की टीवी इस जगह पे लग सकती है, लेकिन अब क्या ही बताएं। और इस साइड भी लग सकती है, लेकिन अब बिस्तर है सीधा सीधा रखा हुआ तो मज़ा नहीं आएगा, तब तक 43 इंच टीवी से काम चला देते हैं। आप लोग का प्यार सपोर्ट से कभी और भी घर लेंगे, बड़ा घर हो या फिर इसके ऊपर दूसरा मंजिला जब बनवाएंगे, दूसरा कमरा निकलवाएंगे, तो उसमें अपने हिसाब से कर लेंगे, तो वहाँ भी टीवी जो है एडजस्टमेंट कर देंगे। क्योंकि अभी एक चीज़ तो आप लोग को दिखाना ही भूल गए, ये जो मेन सामने ये दरवाजा है ना, ये लग के रेडी होगा, हमें लगा कि इसमें भी टाइम लगेगा, तो ये कंप्लीट हो गया। अभी दोस्तों हम लोग आए हैं दुकान में इन्वर्टर लेने के लिए, और वो बैठ रहा है, अभी कंफर्म लग जाएगा तो अच्छी बात है। बैटरी भैया बहुत पतला है उसमें, और अभी जस्ट अभी घर पे लेके चलते हैं, पूरा सेट करवा देते हैं, फिर बिजली की कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि व्लॉग वगैरह वीडियो जो शूट करते हैं ना तो बैटरी वैटरी डाउन हो जाता है, फिर बिजली चला जाए तो बड़ा झंझट वाली चीजें हो जाती है। अच्छा, इसमें से आपको कार्ड भी निकालना था ना? हाँ, कार्ड से निकालना, बोल नहीं आ रहे अभी, हो जाए तो आप मेरी दुकान आना, हम हाँ हाँ कोई ना तो आपके पास उसका है। जी 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 जी, तो ये है इन्वर्टर दोस्तों, ये ना सोचिएगा बहुत बड़ी खराबी हो गई, हम किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला लें, नहीं नहीं 400 रुपये ले जाएगा फालतू केवल। तो दोस्तों फाइनली इन्वर्टर के घर पे ले आए हैं, भाई साहब बहुत मशक्क़त के बाद, पैर में भी चोट लग गया है, बहुत मुश्किल से लाए हैं इसका। ये फ्रेम में रखने वाला है, ये बैटरा आ गया है यहाँ पे, और वो मशीन है, और इस जगह भैया चेक कर रहे, अभी सेट हो जाएगा बढ़िया से। अब कन्फर्म हो गया क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम शुभम भैया अभी इन्वर्टर लगाने आए हैं, तो हमारे फेस देख के कह रहे आपको कहीं हमने देखा है, आपके दुकानदार भैया भी पहचाने हमें, वहाँ के सभी लोग पहचान गए। नहीं मैं देखो, मैंने आपको कहीं देखा है। जी जी, ये बैटरी ओरिजिनल है ना भैया? बैटरी ओरिजिनल है ना, क्योंकि लुमिनस कंपनी हमने सुना है चलता भी बढ़िया है, और हाँ हाँ अच्छा। हाँ बंद करिए, ये इन्वर्टर पर चल रही है, वही सेम चीज़ें दिखा रही है बिल्कुल जैसे लाइट वाला। अच्छा 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 अच्छा, ये आवाज़ क्यों कर रही है? आवाज़ तो दोस्तों आज पूरा दिन के थकान से जो है भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई है, ठीक है। सारा कुछ तो कंप्लीट हो गया, इन्वर्टर लग के एकदम पूरा रेडी हो गया है, और अभी देखिए खाना आया है हम लोग के लिए, चावल है, सब्जी है, सोयाबीन है और रोटी है। आई होप दोस्तों आज ब्लॉग के इतने बिहार समस्तीपुर से देखिए फूल सपुर के अदर से पूरा पूरा फूल सपुर, ये सब कुछ चीज़ें आप लोग के सपोर्ट की वजह से कर रहे हैं, बगल मीटर जाकर फॉलो कर लीजिए, अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।